तो जैसे कि हम लोगों को पता है काफी सारे एनिमे का एंड होता जा रहा है, जैसे डीमन स्लेयर, खैर वैसे उसका थर्ड सीजन तो आएगा ही, और अटैक ऑन टाइटन, और भी बहुत से एनिमे। बट इनके खत्म होने के बाद क्या, मैं बताता हूँ। आज की वीडियो में मैं आज टॉप 5 ऐसी मूवीज लेके आया हूँ जो हिंदी डब्ड है, जिन्हें आप शांति से इस दौरान देख सकते हैं। तो अगर आपको देखनी है मूवीज तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो का टाइटल क्या है, वीडियो का टाइटल है टॉप 5 हिंदी डब्ड एनिमे मूवीज। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 5, टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट्स, और जैपनीज में कहे तो होतारू बी नो मोरी। ओह जान छोटी। होतारू जो कि एक बच्ची है, वो एक जंगल में खो जाती है और उस बच्ची को ढूंढ निकालती है एक जंगल में रहने वाली एक स्पिरिट यानी आत्मा, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और इसी दोस्ती में वो स्पिरिट अपना राज बता देती है कि अगर उसे किसी ह्यूमन ने टच किया तो वो डिसअपीयर हो जाएगी यानी गायब हो जाएगी। इस मूवी में आपको ड्रामा, फैंटेसी, लव, फ्रेंडशिप, फॉरेस्ट, ये सब देखने को मिलेगा। रेटिंग्स की बात करें तो IMDb ने इसे 7.9/10 दी है। मूवी का हिंदी वर्जन कोई ऑफिशियल डब नहीं है, इसे डब किया है एनिमेटियम डबर। उसके बावजूद ये मूवी आपको ऑफिशियल्स जैसी फीलिंग देगी, और ये आपको एनिमेटियम डबर्स की साइट पे जाकर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। नंबर 4, 5 cm/s। ये मूवी 3 इंटरकनेक्टेड सेगमेंट्स में बताई गई है। एक यंग मैन जिसका नाम तकाकी है, और तकाकी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। तकाकी के पेरेंट्स की जॉब की वजह से तकाकी को ना चाहते हुए भी अलग अलग जगह जाना पड़ता है। अकारी जो कि इस मूवी की फीमेल कैरेक्टर है, जो कि तकाकी के साथ ही उसी के स्कूल में पढ़ती है, ये दोनों बड़े ही क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। ये दोनों एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद दूर हो जाते हैं, क्योंकि अकारी के पेरेंट्स की जॉब की वजह से अकारी को भी नियर बाय प्रिफेक्चर में मूव होना पड़ता है। बट वो दोनों लेटर्स के थ्रू कॉन्टेक्ट में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तकाकी की फैमिली भी किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाती है, और तकाकी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने के बाद ये फैसला लेता है कि वो एक आखिरी बार अकारी से मिलेगा और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा दूर चले जाए। इस मूवी को भी एनिमेटियम डबर्स ने डब किया है। ये मूवी आपको उनकी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी, और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6/10। तो ओवरऑल मूवी बहुत ही अच्छी है। मूवी में क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको खुद देख के ज्यादा मजा आएगा। नंबर 3, द एंथम ऑफ हार्ट। एक यंग लड़की जून नर्सिस, जो कि बड़ी ही एक्साइटेबल और टॉकटिव है, यानी कुछ ज्यादा ही बातूनी है। शी लव्स फेरी टेल एंड इज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट द कैसल ऑन द हिल टॉप। तो एक दिन वो लड़की अपने फादर को लव होटल से निकलते हुए देखती है किसी और वुमेन के साथ। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन शी टेल्स हर मॉम, रिजल्टिंग इन हर पेरेंट्स डिवोर्स, एंड हर फादर ब्लेम्स हर फॉर दिस। एंड व्हेन शी क्राइंग देन हर वॉइस मैजिकली टेकन अवे, ताकि वो किसी को भी अपनी बातों से दोबारा तकलीफ ना पहुंचा सके। बट जब उसका सामना म्यूजिक और फ्रेंडशिप से होता है तो उसका आउटलुक यानी उसका देखने का नजरिया बदल जाता है, और आगे कैसे उसकी वॉइस वापस आती है वो आपको मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को IMDb ने 7.4/10 दी है, और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, जोर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्गर। तो स्टोरी शुरू होती है सेनगोकू पीरियड से एक लड़के के साथ जिसका नाम तोकारू है, जो बच निकलता है अपने कुत्ते तोबीमारू के साथ किसी अननोन पर्सन से जो उनका पीछा कर रहा है, जिसे भेजा गया है मोंग शॉन द्वारा, ताकि वो मंगाकू टेम्पल जाकर मास्टर जकाई से मदद मांग सके। वैसे तो कोतारू किसी की हेल्प नहीं चाहता था, बट जब उसका ट्रस्टी डॉग तोबीमारू इंजर्ड हो जाता है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती उस सामुराई के पास जाके मदद मांगने की, ताकि वो बच सके रॉयल आर्मी से। मूवी को रेटिंग मिली है 7.8/10, और इस मूवी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1, तमाको लव स्टोरी। तमाको किताशिरा कावा सबसे बड़ी बेटी है अपनी फैमिली की, जो एक शॉप चलाते हैं तमाया मोची नाम की, उसागियामा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में। एक दिन तमाको मिलती है एक बोलने वाली चिड़िया से जिसका नाम देरा मोची माजी है, जो आया है डिस्टेंट लैंड से अपने कंट्री के प्रिंस के लिए वाइफ ढूंढने। बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाने से ओवर ईटिंग की वजह से देरा तमाको के घर में एक फ्री लोडर बन जाता है। ये सीरीज उसके दोस्त, उसके परिवार, उसके पड़ोसी और
इस अजीबो गरीब पक्षी के रोजमर्रा के जीवन के बारे में बताती है। स्पेशली तमाकू के बचपन के दोस्त मोचिजो का उस पर क्रश है और वो एक दूसरे को बोलने के लिए शर्माते हैं। मूवी बड़ी ही अजीब और सिंपल है, आपको बहुत मजा आएगा ये मूवी देखने में। रेटिंग्स की बात करें तो IMDb ने इसे 7.1 आउट ऑफ 10 दी है और इस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। और मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।